आज आपको जैसे कि पता है कि मैं अभी श्रीनगर से निकल चुका हूँ और एग्जिट पॉइंट पर मुझे एक फिर से एक लिफ्ट मिल गई है, तो मैं सर के साथ हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम रईस है। रईस है, और रईस अहमद है जिन्होंने मुझे कम से कम 20-25 किलोमीटर की लिफ्ट दी है यहाँ से। फिर वहाँ से हमारा सोनमर्ग रह जाएगा ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर रह जाएगा, और यहाँ पे और सर से थोड़ी सी बातचीत की जाती है। बताइए सर अपने बारे में, थोड़ा क्या करते हैं यहाँ पे कश्मीर में? मैं कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, श्रीनगर सिटी से। ओके। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ओके। तो मैं अभी वर्किंग के लिए जा रहा था, कंगन मिल गया रास्ते में। ओके, हम कंगन जा रहे हैं। कंगन से आप सोनमर्ग जाओगे, सोनमर्ग से आपका टुवर्ड्स द्रास कारगिल का रास्ता मिलेगा, और फिर टुवर्ड्स आप ले जा सकते हैं। ओके ओके, सर ने बता दिया, थोड़ा गाइड हमें कर दिया है कि मैं कैसे ट्रेवल कर सकता हूँ इधर पे। नट्स जो भी हो गया, वॉलनट मिलेगा, वॉलनट भी हो गया जिसे अखरोट बोलते हैं, बादाम गिरी यहाँ का फेमस है। और यहाँ पे एक मुझे बना के दिया था, क्या नाम लेते हैं, कावा। सीरियसली गाइस, काफी अच्छी डिश है वो, यहाँ पे हर्बल भी है। ड्रिंक है वो शायद, है ना? ड्रिंक कावा, ड्रिंक है, उसमें सारे हर्बल एसेंस, हाँ हर्बल एसेंस मिलते हैं। और एक गाइस मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सब ना नमकीन चाय पीते हैं। मैंने पहली बार ट्राई किया है नमकीन चाय यार, और काफी अच्छा लगा मुझे वो नमकीन चाय। मैंने आदिल भाई के घर पे भी, वहाँ पे मुझे रात नाइट में जब मैं सो रहा था तब भी नमकीन चाय पिलाया था। मॉर्निंग में उठते ही नमकीन चाय मिली यार, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी थी वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ एक बात उनके साथ स्टे करके। वाकई में यार, चलो हम दिखा देते हैं, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है श्रीनगर से एक तरीके से, ना? हाँ, बाकी हम निकल चुके हैं। वैसे हाईवे ही है ये, हाईवे है ये, सोनमर्ग कारगिल ले तक जाएगा हमारा, तो इसी पे हमें ट्रैवल करना है। BRO ये आपको ले मिलेगा 409 किलोमीटर। अच्छा, ले 409 किलोमीटर है, जिला 76, और ये कंगन 9 किलोमीटर यहाँ से, बल्टल अपना 64, सोनमर्ग 54 जहाँ पे हमें आज स्टे करना है। ले 409 किलोमीटर गज, इसकी चारों तरफ पहाड़ है, और श्रीनगर के अंदर पहाड़ नहीं है, तो चारों तरफ से कवर है ये पहाड़ों से। और यहाँ पे डल लेक मैंने दिखाया था, वो इन्हीं पहाड़ों में से जा रहा है उसके अंदर पानी, तो वहाँ पे इतना पानी हो गया है। और 2014 की जो यहाँ पे ट्रेजिडी हुई थी उसके बारे में आपने शायद सुना ही होगा, 2014 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था श्रीनगर को उससे। तो चलो गाइस, अब तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे श्रीनगर का, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, याद रहेगा। और यहाँ की हम, मैं वो जो मैं जब से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो छत है, रूफ है यहाँ की, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है मुझे देखने। ये रूफ जो बना है, छत बना है, जो कह रहे हो आप, ये ओल्ड पूरा फर्नीचर का है, ये इसमें टीन लगा हुआ है, ये स्नो के लिए, क्योंकि विंटर हैवी रहता है। हाँ, मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे भी बर्फ गिरती है स्नोफॉल के लिए, ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने बताया नवंबर में यहाँ स्टार्ट हो जाएगी बर्फ, तो ये इसीलिए ताकि छत पे बर्फ स्लाइड हो जाए और नीचे गिर जाए, मकान डैमेज, हाँ ताकि घर डैमेज ना हो जाए, और इस वजह से ये इस तरीके से बनाया गया है। हाँ यार, काफ़ी अट्रैक्ट करता है यार हमें, हमारी तरफ तो बस ऐसे ही है, तो काफ़ी मज़ा आता है। हम हेलो भाई, देखो मैं अब ये कंगन आ चुका हूँ, रईस भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है, तो मैं अब अपने आगे निकल चुका हूँ। ये कंगन की मार्केट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंगन की पूरी मार्केट है। तो अब थोड़ा सा हम आगे निकल चुके हैं, वो अपने ऑफिस में चले गए हैं, तो गाइस चलो मिलते हैं हम आपको आगे। अभी कंगन से निकल, अभी मुझे उन्होंने, रईस भाई ने कंगन तक लिफ्ट दी थी, अब मुझे फिर से एक लिफ्ट मिल गई है, तो मुझे इस बार लिफ्ट मिली है ट्रक में। तो ये जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं आप? तो ले तक जा रहे हैं, अभी कहाँ तक जा रहे हैं? अभी तो अभी कह रहे थे ना आप रुकोगे, कल जाओगे ले। आज आप घर में रहोगे, तो अभी आप मुझे कहाँ पे छोड़ोगे वो बताओ। आपको सनबर्ग में छोड़ेंगे। हाँ, तो गाइस मुझे ये लिफ्ट मिल गई है सनबर्ग तक। सनबर्ग यहाँ से 47 किलोमीटर होगा आई थिंक, तो यहाँ से, हाँ 40 किलोमीटर। हाँ 40 किलोमीटर देखिए लिफ्ट। सर मेरा नाम है सर गुलाब। बिलाल? अच्छा बिलाल। ओके सर, आप ले जा रहे हो, ये ले जा रहे हैं बट ये आज अपने घर पे ही रुकेंगे, तो ये कल ले जाएंगे।
तो हमें तो आज कहीं ना कहीं पहुंचना है एक स्टॉप पे, तो आप पता ही आप जा रुक सकते नहीं है कहीं पे। जी मुमताज, जोर से बोलिए वीडियो में। मुमताज, मुमताज नाम है, मुमताज। तो आप भी सोनमर्ग से? ये भी सोनमर्ग से ही है। और चलो इनके साथ काफी अच्छा मिलके इनसे काफी अच्छा लगा मुझे कि मैं अभी कैमरे से शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि मेरे मेमोरी कार्ड फुल हो गया है, तो थोड़ा सा इसीलिए इशू हो गया है। तो गाइस मैं अभी सोनमर्ग पहुँच के या कारगिल पहुँच के, हाँ कारगिल पहुँच के मैं वो खाली कर लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अपने भाई साहब आप अगर कोई छोटा मोटा भी काम होता है तो ये पैदल ही चल के आते हैं, ऊपर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई बाइक वाइक या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए गाइस आप एक बार ये सोचिए कि वहाँ पे सामान ले जाके घर बनाना कितना डिफिकल्ट हुआ होगा यार, ये कैसे कर लेते सब? बस मेहनत से, मेहनत यार, मेहनत यार, देखो यार इतना ऊँचा ले जाना, घोड़े पे चढ़ा। अच्छा घोड़े के ऊपर, इन्होंने मुझे अभी बताया। चलो हाँ घोड़ी पे भी हम सामान लेके जा सकते हैं। तो गाइस सच में यार काफ़ी यार मेहनत करनी पड़ती होगी। ये देखो ये अब यहीं पे उतारेंगे, ये इनका घर है, ये यहाँ आज रात यहीं पे स्टे करेंगे। तो हम अभी आगे यहाँ से कोई और चीज़ देखते हैं। गाइस काफ़ी मज़ा आया, अभी भाई ट्रक लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी देर बाद में हम उतरते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। आगे सोनमर्ग तक पहुँचना है हमें, तो भाई चलते हैं अपन, हम उतरते हैं, भैया को बाय बाय बोलते हैं। ओके बाय बाय कह दीजिए, बाय। चलो गाइस चलते हैं, भैया के साथ काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ तक आके, बातचीत की हमने, और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना भाई, प्लीज़ गाइस आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं। ये मुझे, ये इनका गाँव है यहाँ पे, तो ये यहीं पे मुझे उतार रहे हैं, तो काफ़ी लंबी लिफ्ट मिली इनके साथ ही मुझे पहाड़ के ऊपर। मैं आपको किसी कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ, मुझे ये गांव पड़ा है, तो देखिए ये दो लोग मुझे मिले हैं। कौन सा गांव है भाई? ट्रेल। आपका नाम? हारिश। आपका? शारिक। शारिक और हारिश मिले हैं और ये इसी गांव से हैं, ये मुझसे मिले हैं। चलो काफी अच्छा लग रहा है, कौन सा गांव बताओ? रेल। इसके आगे कुलन पड़ता है, फिर एक दो गांव और फिर सोनमर्ग। ओके गाइस देखो मैं तो अभी मुझे कोई लिफ्ट मिल नहीं रहा है, तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, और बीच में मुझे काफी प्यार मिला लोगों से, बहुत लोग मुझे मिले भी। आई थिंक यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है कभी, स्नो का होता हुआ यहाँ? नहीं नहीं, लैंडस्लाइड नहीं होता, बट जैसे कि विंटर में अगर बर्फ जम जाती है तो वो स्लाइड हो जाती है, यानी आइस स्लाइड हो जाता है यहाँ।
तो गाइस आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, एक बार फिर से हाई कर दीजिए। ओके नाइस जर्नी, थैंक यू सो मच गाइस। आपको दिखा देता हूँ यहाँ के वादियाँ, देखो एक बार कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखो आप नदी देख रहे होंगे, तो ये और ये भाई हैं हमें मिले, इंद्रजीत भाई हैं ये अपने। तो ये इसी रूट पे जा रहे थे कारगिल तक, तो ये हमें छोड़ेंगे कारगिल। तो अरे देख रहे मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ पे क्या नज़ारे हैं यहाँ के, क्या क्या इतना शानदार व्यू है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ। आप एक बार आओगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ वाह कितना अच्छा लग रहा है। गाइस देख सकते हैं ऊपर ना धुंध भी है, यानी कि बादल पहाड़ों के अंदर तक जा चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो बादलों के अंदर जा रहे हैं बादल। और ये देखिए गाइस क्या नज़ारा है यहाँ पे। गाइस हम आज शायद कैंपेनिंग करेंगे तो मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो गाइस आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको कुछ यहाँ पे व्यू दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो पहाड़ों के नज़ारे कुछ अलग ही हैं। देखिए यहाँ पे क्या गजब के पहाड़ हैं, काफी गजब यार थोड़ा व्यू है यहाँ का। तो मैं भी ट्रक में बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अब्दुल हुसैन नाम है और ये इनके हेल्पर हैं, आई थिंक क्या नाम यूसुफ नाम है भाई का। और अभी हम वहीं पे आज कैंपेनिंग करें, तो आज हम नाइट में कैंपेनिंग करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। और कुछ मेरे दोस्त भी आ गए हैं और फिशिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं वो ऑलरेडी। तो आज हम सब कैंपेनिंग करने वाले हैं और वहाँ पे लेक बनाते हैं, कहते हैं लेक है वहाँ पे, तो आज मजा आने वाला है काफी बहुत। चलो गाइस चलो गाइस देखिए ना, मैं यहाँ पे हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ना तीन भालू है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये तीन भालू हैं ये सामने, और वो देखो एक ये नीचे बड़ा वाला है और ऊपर दो उसके शायद बच्चे होंगे, ऊपर दो हैं एक नीचे है। हाँ लाइट हाँ ये रहा, देखो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे तीन भालू के बच्चे हैं। ओ तीन भालू है, नहीं रहने दो, पत्थर मत मारो यार, पत्थर मत मारो, कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं डर रहा यार, देखो उसको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर ये कहाँ डरता है इंसान से, वो तो देख रहा है, मैं देख रहा है, हमें देख रहा है, हाँ हमें देख रहा है। लाइट के सामने से हटना, थोड़ा लाइट के सामने से हटना भैया, आप ही हो नहीं हूँ, इधर से ना आ जाए कोई। वाह वाह तीन भाल, वो रहा नीचे, बड़ा वाला नीचे है। अच्छा ये यहाँ पे तीन ही भालू हैं जो डेली आते हैं। हाँ भाई काफी यानी कि ओके हेलो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, मैं निकल रहा हूँ कारगिल ले, जहाँ तक मुझे आज मैं पहुँच पाऊँ। तो गाइस मुझे आज सुबह की पहली लिफ्ट मुझे मिल गई है, आज की पहली लिफ्ट मुझे भाई ने दी है, जो है हमारे एक बार नाम बता देंगे फरीद। देखिए मैं ये 20 किलोमीटर की मुझे पहली लिफ्ट मिली है, यानी कि मेरी मंजिल 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। वाह
तो सो गाइस मेरी वीडियो आ नहीं रही है मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी इस हिल एरिया में हूँ जिससे मेरा नेटवर्क मोबाइल कुछ काम नहीं कर रहा है और ना ही मैं एडिटिंग कर पा रहा हूँ। तो आपको आफ्टर ट्रिप मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देन मैं अभी निकल चुका हूँ यहाँ से, ये सोनमर्ग से। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, मैंने 20 किलोमीटर तक मुझे भाई ने लिफ्ट दे दी है, सैफी भाई नाम भाई का सेफी है। और देखते हैं उसके आगे हमें आगे कहाँ तक की लिफ्ट मिलती है। तो चलो गाइस, और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड एंड बैटरी दोनों डेड हो चुका है, तो मुझे चार्जर के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो अभी मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, तो शायद इसमें नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आवाज़ थोड़ी ऐसी वैसी आ जाए, तो गाइस इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ मिस ना कर पाऊँ और कोई भी कंटेंट मिस ना कर पाऊँ, इसीलिए मैंने मोबाइल से शूट करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए एक्चुअली कहाँ पे जा रहे हैं हम, ये भी सभी भाई से पूछ लेते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं भाई? बालतल। अच्छा बालतल, हाँ बालतल, या बालतल तक जा रहे हैं हम। वहाँ से तो हमें मिल जाएगी कोई भी द्रास या कारगिल तक लिफ्ट अच्छी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें 20 किलोमीटर तक का सफर तो निकलेगा, चलो गाइस चलते हैं। वो इन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ा है नील ग्राट के पास, मुझे गाइस मुझे छोड़ दिया है इन्होंने, और यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, काफ़ी अच्छी बात, इनसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ की वादियाँ, और देख सकते हो आप यहाँ पे, और नीचे पानी है, और बाकी यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे आपका नाम बताइए। अब्दुलरहमान एंड मुश्ताक अहमद जी। ओ मुश्ताक अहमद जी, ये देखिए ये कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा, टूरिस्टों का आना जाना रहे, ओके, ताकि बेरोजगार लोगों का हाँ थोड़ा रोजगार मिले, ओके, हम ये कोशिश करना चाहेंगे बस। वाह, यानी कि और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए आप देख सकते हो, एंड एक बार हाय कर दीजिए, ओके, नजदीक आएंगे तो वीडियो नहीं आएगा पूरा, ओके, ये कहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, और ये काफी आपको यहाँ पे कैसा लगता है, कुछ बताओगे? हाँ बढ़िया लग रहा है। आप बता सकते हो कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। वाह यार, यहाँ की ये एक बार यहाँ पे देखिए, जो पानी है ना बिल्कुल नीला नीला सा दिखाई दे रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, थोड़ा सा टनल का काम चल रहा है। अच्छा टनल, ओके, हाँ ये टनल जैसे ये द्रास जाएगा। अच्छा ये टनल, ओके, टनल के थ्रू जाएगा, ओके ओके, नीलग्राट से।